दोस्तों बिग बॉस के घर के सदस्य निमृत कौर ने पूरे हिंदुस्तान के सामने, सभी घर वालों के सामने, यहाँ तक कि साथ ही साथ सलमान खान के सामने घर के सदस्य शालिन को ऐसा क्यों कहा कि शालिन तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर इसी बात को लेकर सलमान खान शालिन को कहते हैं कि शालिन निमृत ने जो तुम्हें कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अपनी हद में रहा करो, अपनी औकात में रहा करो, नहीं तो अगर मैं अंदर एक बार आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा वो तुमने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिर शालिन ने ऐसी कौन सी गंदी हरकत कर दी है, आखिर शालिन ने निमृत के साथ ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद निमृत ने शालिन को सभी घर वालों के सामने नंगा करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपके लिए शालिन और साथ ही साथ निमृत कौर से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आ गए हैं, एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उस आप सब कहने लगेंगे कि निमृत ने शालिन को जो कहा है कि वो घटिया इंसान है, वो बेशर्म इंसान है, वो बिल्कुल सही कहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर निमृत ने शालिन को पूरे हिंदुस्तान के सामने ऐसा क्यों कहा जिसके बाद सलमान खान ने भी शालिन को जबरदस्त फटकार लगा दी। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि घर के सदस्य शालिन जब घर के बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर शालिन सीधे जाकर बाथरूम का दरवाजा खोल देते हैं। वो जैसे ही शालिन बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर घर की सदस्य सौंदर्य नहा रही होती हैं और उसी वक्त शालिन बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर आपको बता दें कि निमृत और शिव, जब इस बात का पता चलता है तो घर की सदस्य निमृत शिव को कहती है कि उसे इतनी अकल नहीं है, उसे इतनी सेंस नहीं है कि जब वो बाथरूम में जा रहा है तो पहले दरवाजे को खटखटा ले। और साथ ही साथ निमृत ये भी कहती है कि मुझे पता है कि बाथरूम की कुंडी नहीं लगी हुई थी, लेकिन शालिन को इतनी सेंस तो होनी चाहिए थी, इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि अगर बाथरूम के बाहर किसी का माइक लटका हुआ है तो इसका मतलब है कि बाथरूम में कोई ना कोई है, बाथरूम में कोई ना कोई नहा रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि सलमान खान भी सभी घर वालों के सामने शालिन को कहते हैं कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह सलमान खान शालिन को ऐसी घटिया हरकत करने पर डांट रहे होते हैं, ऐसी घटिया हरकत पर बकवास बंद करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो उससे ये साफ साफ पता चलता है कि सलमान खान की नजरों में शालिन गलत है और सौंदर्य सही है। क्योंकि आपको बता दें कि सौंदर्य जब बाथरूम में गई थी तो उसने भले ही कुंडी नहीं लगाई थी, लेकिन उसने अपना माइक बाथरूम के बाहर लटकाया हुआ था, इसलिए साफ साफ पता चलता है कि बाथरूम के अंदर कोई ना कोई जरूर था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वाले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शालिन की गलती थी या फिर सौंदर्य की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।